हेलो एनिमल लवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? क्या आपके माइंड में कभी भी यह बात आई है कि आउल्स यानी कि उल्लू हमें सिर्फ रात में क्यों दिखाई देते हैं, ये दिन में कहाँ जाते हैं? कहीं आपने ये तो नहीं सोच लिया कि ये रात में नाइट ड्यूटी करते हैं इसलिए दिन में सोते रहते हैं? एनीवेज, तो दोस्तों इस वीडियो में कई क्वेश्चन के आंसर आउल से रिलेटेड मैं देने वाला हूँ। जैसे कि उल्लू हमें सिर्फ रात में ही क्यों दिखाई देते हैं? क्या सारे उल्लू सिर्फ रात को ही निकलते हैं? क्या उल्लू दिन में देख नहीं सकते? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, इसे लास्ट तक बने रहिए क्योंकि इसके पीछे कोई एक रीज़न नहीं है दोस्तों, इसके पीछे दो तीन रीज़न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो आपको मिलते रहे। तो दोस्तों इस चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इस डायग्राम को देखिए दोस्तों, इसमें आपको दिखेगा यहाँ पर लिखा हुआ है प्यूपिल। तो जो प्यूपिल है उसका यही फंक्शन है कि जब लाइट की रेज जब लाइट पड़ती है हमारी आँखों में तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और इस फिनोमिना को कंट्रोल करने का काम आयरिस करता है। आयरिस उसके आउटर लेयर में होता है यानी आयरिस से कवर्ड रहता है प्यूपिल। तो आपने देखा था डायग्राम में वहाँ पर आयरिस लिखा हुआ था, तो उसी के कारण वो कंट्रोल करता है कि प्यूपिल से कितनी लाइट अंदर आनी चाहिए, एंटर होनी चाहिए। ऐसा हमारे साथ होता है लेकिन आउल्स के जो प्यूपिल हैं वो ऐसे वर्क नहीं करते दोस्तों। इसलिए आपने कई बार किसी फोटो में या वीडियो में नेट पर कहीं पर तो आपने ऐसा ज़रूर देखा होगा कि दिन में यदि कोई उल्लू मिला है तो उसकी आंखें थोड़ी बंद बंद रहती है, तो वो नींद में नहीं रहते हैं, वो जानबूझ के आंखें वैसी बंद रखते हैं, वो पूरी तरह से जाग रहे होते हैं उस टाइम भी। तो ये एक रीज़न है कि उल्लू दिन में नहीं निकलते। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि क्या सारे उल्लू दिन में नहीं निकलते? क्या सारे उल्लू सिर्फ रात को ही निकलते हैं? ऐसा भी नहीं है। दरअसल कुछ ऐसी स्पीशीज हैं आउल्स की, जैसे कि हॉक आउल हो गया, ये ऐसी प्रजातियां हैं जो दिन में शिकार करती हैं। आप कभी नेट पर सर्च कीजिएगा हॉक आउल, काफ़ी खूबसूरत होते हैं, देखिएगा। इनकी आंखें थोड़ी अलग होती है बाकी आउल से। वहीं यदि दूसरी तरफ मैं बात करूं बार्न आउल की आंखों की, तो उनकी आंखें बिल्कुल ही अलग दिखती हैं, जैसे किसी हॉरर फिल्म का घोस्ट हो। खैर इसके बावजूद भी ये काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो जो प्यूपिल वाली बात मैंने आपको बताई दोस्तों, उससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये दिन में क्यों नहीं निकलते। अब एक और क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहा होगा वो ये है कि रात में क्लियर कैसे देख सकते हैं? छोटी से छोटी चीज़ों को भी, छोटे से छोटे शिकार को भी ये कैसे पकड़ लेते हैं रात में, और इतना क्लियर इनको क्यों दिखता है रात में? तो उसका आंसर मैं आपको देने जा रहा हूँ। इसका आंसर भी छुपा हुआ है दोस्तों इनकी आँखों में। अब मैं आपको पूरी बायोलॉजी यहाँ पर नहीं पढ़ा सकता क्योंकि सारी चीज़ें आपके सर के ऊपर से जाएंगी फिर, लेकिन आपको यदि सिंपल तरीके से समझाऊँ तो इस डायग्राम को देखिए आप। रेटिना तो आप सब जानते ही हैं कि आंखों के पीछे रेटिना होता है। रेटिना में दो टाइप की सेल्स होती है दोस्तों, यानी कि कोशिकाएं, एक रॉड सेल्स और दूसरी कोन सेल्स। उसे कोन सेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कोन शेप की होती है। तो इन दोनों में से जो रॉड सेल है दोस्तों वो रिस्पॉन्सिबल होती है लाइट को सेंस करने के लिए, और जो कोन सेल्स होती है दोस्तों वो कलर को सेंस करती है। तो उल्लू की आंखों की रेटिना में रॉड सेल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है दोस्तों, जिसके कारण वो थोड़ी सी लाइट में भी बहुत अच्छे से देख पाता है। यानी आप ये समझ लीजिए कि उनके लाइट रिसेप्टर सेल्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं। लेकिन जो सेल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों, दैट इज कोन सेल्स, वो कम मात्रा में होती है रॉड सेल की तुलना में। इसलिए उल्लू ज़्यादा कलर्स नहीं देख सकते, बट वो ब्राइटली देख सकते हैं चीज़ों को अंधेरे में भी। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया कि ये रात को इतना क्लियर कैसे देख लेते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा चीज़ों को समझने के लिए, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जितने सिंपल वर्ड्स में आपको समझा सका मैंने समझाया। और यदि आपको पसंद आया ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू।